برای ظهور حجت خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعتي الليل والنهار وليم وحافظم وقائدم وناصرم ودليلم وعينا حتى تسكنه أرزق طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وال محمد صلی علی محمد وال محمد واجل فرجہ آل محمد صلوات خاندان تطہیر. ماشاء اللہ کافی تعداد سادات و مومنین حسین بادشاہ دے ماتمی عزادار میرے شیعہ سنی بھائی تشریف فرماؤ. کوشش کر کے خاندان عصمت و طہارت تھے جتنی بلند آواز پڑھ سکو اتنی بلند صلوات پڑھو. اپنے اپنے مرحومین بالخصوص بانیان جشن دے تمام مرحومین دے درجات دی بلندی واسطے بھی باواز بلند صلوات. سرکار قائم آل محمد حجت خدا دے آمد اور سلامتی واسطے صلوات اکا پڑھو رل کے باواز بلند پڑھو. تمام موالیگان حیدر قرار سادات اور مومنین نو میری طرفوں اور میرے ساتھیوں دی طرفوں جشن سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی مبارک ہوئے جی. خیر مبارک. ایک لمحہ ضائع کیتے بغیر نوکری دا آغاز ایک بہت خوبصورت قطع جناب دی خدمت عالی چ پیش کر رہے ہیں. مالک کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. قبلہ استاد قمر جلالوی صاحب میں جن ان کا ایک قطع تلاوت کرنے لگوں. پڑھ لکھے سنجیدہ فہمیدہ دانا چہرے تشریف فرمائیں بات کی قدر کیجیے گا. میں عرض کر رہے ہیں کہ حسن یہ کہتے تھے کر لیں جفا جفا والے. حسن یہ کہتے تھے کر لیں جفا جفا والے. آپ کا شکریہ جی, آپ نے ساتھ دیا. وہ آخری حلالی بیٹھا ہے, اس نے بھی ہاتھ اٹھا کے بات کی تائید کر دی. حسن یہ کہتے تھے کر لیں جفا جفا والے, ارے خدا کے راز بتاتے نہیں خدا والے. شکریہ. حسن یہ کہتے تھے کر لیں جفا جفا والے, خدا کے راز بتاتے نہیں خدا والے. ایک تاریخی واقعہ ہے اس قطع کے پیچھے, میں وہ واقعہ نہیں پڑھنا چاہ رہا, صرف دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ کون حلالی موالی اس واقعے پہ سب سے پہلے پہنچتے ہیں. تھوڑی اس کی ایکو کم کریں اور آواز تھوڑی اونچی کر دیں جی, تھوڑی سی بڑھا دیں.
मालिक सलामत रखे आपको। हसन जी कहते थे, ये ठीक है आप सलामत रहें, हसन जी कहते थे कर लें जफा जफा वाले, खुदा के राज बताते नहीं खुदा वाले। इमाम फरमा रहे हैं कि सवाल मुझसे ये करते हो, सुलह क्यों कर ली, जवाब इसका तुम्हें देंगे करबला वाले। क्या कहने, सुभानअल्लाह। सवाल मुझसे ये करते हो सुलह क्यों कर ली, जवाब इसका तुम्हें देंगे करबला वाले। मैं कुछ और सोच के मिंबर पे खड़ा हुआ कि इस मुकद्दस बारगाह में पहला मौका है, आप मवालिया ने हैदर करार के चेहरों की ज़ियारत का, तो मैंने सोचा था कि कोई एक दो आसान आसान कसीदे वो तिलावत करूं, लेकिन आपका मेयारे समात बुलंद है तो फिर मैं ऐसे करता हूं कि मैं पढ़ने में कंजूसी नहीं करता, मैं वैसे ही पढ़ता हूं जैसे मैं पढ़ता हूं, ठीक है। एक शेर मैं आपको सुनाता हूं, चूँकि लफ्ज़ों वाली ज़ाकरी है, कोई ज़्यादा शोर शराबे वाली ज़ाकरी नहीं है, एक शेर चलें आप हकदार हैं मैं आपके हवाले करता हूं। पढ़ना नहीं था लेकिन मैं आपको सुना देता हूं। आज लोग आदन के सरकार इमाम हसन की जो उसके साथ जंग थी, जो लड़ाई थी, वो तख्त की जंग थी, तो जो है मौला हसन की जो उसके साथ, उसको जानते हैं ना, मालिक दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी साहब थे, वो फरमाते थे कि मिंबर पाक है मैं उनका नाम, वो फरमाते थे कि मिंबर पाक है मैं उनका नाम क्यों लूं कि जिनका नाम अच्छे तरीके से लिया जाए तो अल्लाह पकड़ लेता है, बुरे तरीके से लिया जाए तो पुलिस पकड़ लेती, ठीक है। थोड़ी सी आवाज़ मजीद बढ़ाई, शेर आपको सुना दो, ये ठीक। लोग कह रहे हैं कि इमाम की उसके साथ जंग दुश्मनी तख्त की जंग थी, मेरे मालिक मेरी मदद करें, मैं तो कोशिश करने लगा हूँ। शेर है जी, दो लाइनों का शेर है, मैं अर्ज़ करें कि हिल्म से यानी बुर्दबारी से, ठीक है, हिल्म से शाही और मीरी का भरम तोड़ दिया, हिल्म से, बस ये आखिरी मुश्किल बात है, आगे फिर आसान बातें जी, हिल्म से शाही और मीरी का भरम तोड़ दिया, अरे तख्ते जिल्लत था सो जिल्लत के लिए छोड़ दिया, सदके जांच, आपका शुक्रिया जी। हिल्म से शाही और मीरी का भरम तोड़ दिया, तख्ते जिल्लत था सो जिल्लत के लिए, कसीदा आपको सुनाते हैं। नहीं, आपकी सिर्फ तवज्जो का मैं मुंतजर था, तवज्जो आपकी हो गई है, मैं कसीदा शुरू कर रहा हूँ। हाँ जी, किसका मुकाबला है भला पीर हसन से,
क्या कहने लुत्फ आया, सदा जियो सदा बादो शाद रहो। गलती गौर कर रहे हैं, मर्ज करें किसका मुकाबला है भला पीर हसन से, किसका मुकाबला है भला पीर हसन से, किसका बार बार करें यहाँ किसका किसका मुकाबला है भला पीर। यह है दावा किसी दूसरे मसलक के बंदे नूं, मैं आखा मेरे पीर हसन दे नाल भला किस दा मुकाबला है, फिर वो सवाल कर रहा कर दे कि यासिर भाई ये तुसा कीता दावा, दलील पेश करो। मैं आप तो मोमिन हैं, आज़ादार हैं, करीमे करबला के मातमी हैं, आप तो दाद दे ही देंगे, मैं दलील ऐसी पेश करूँ कि काफिर भी माने। ठीक है, ज़रा गौर कर रहे हैं, गौर कर रहे हैं, जिन्हें लफ्ज़ों से प्यार है गौर कर रहे हैं। मैं अपने दावे की दलील पेश कर रहा, मर्ज कर रहे हैं सर के जहाँ भाई क्या कह रहे, किसका मुकाबला है भला पीर हसन से, हो जितने बड़े छोटे हैं शब्बीर हसन से। कोई साढ़े बिरावां दी किताबां च एक वाकया दर्ज है, वाकया वो वाकया क्या है कि हजूर सरे कायनात ने 10 सहाबे कराम दी एक लिस्ट बनाई, एक फहरिस्त बनाई, कोई जेब से निकाल लो यार, 10 सहाबे कराम दी एक फहरिस्त बनाई। वो फहरिस्त कि ये 10 सहाबे कराम ये जन्नती हैं। आप जानते हैं, मैं रुक रुक के इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि छोटे बच्चों को समझ आ जाए। 10 सहाबे कराम की एक फहरिस्त है, एक लिस्ट है, हमारे भाइयों की किताबों में उनके नाम भी दर्ज हैं कि ये 10 सहाबे कराम ये जन्नती हैं। ये जेड़े चुप बैठे हो, तुहाड़ी चुप की कसम है, मैं तंज नहीं कर रहा, मैं तो सवाल कर रहा, सवाल करना कोई जुर्म तो नहीं है ना। जरा गौर कर रहे हैं, पीर हसन से, शब्बीर हसन से, पीर हसन जिस नहीं ना दाद देवनी उस एवें ही नहीं देवनी, वरना शेर में ऐसा पढ़ा कयामत तक शेर तुहाड़े दिलों से नक्श हो जाए, शेर ही ऐसा खुदा की कसम है। बस देखते हैं फिर आप कैसे वसूल करते हैं। मैं करे मेरे वीर तुसी ता करे हो, ये 10 सहाबे कराम ये जन्नतीन। मैं अपनी पूरी शिया कौम की तरफों एक सवाल कर रहा, वो सवाल क्या है, मैं कह रहा मेरा वीर मैं जवाब दे। जब मुरसले आजम ने ये फरमा ही दिया था, जब मुरसले आजम ने ये फरमा ही दिया था, लिखवाई सदके। देखें यार, मैं
आपके प्यार का शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। देखें मैं मालकों की करीमी है, कोई मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा। थोड़ा सा ना आप मुझे सुनने की कोशिश करेंगे ना तो फिर आपका नौकर नौकरी ऐसे करेगा जैसे नौकरी करने का हक है। ठीक है, मैं बात वो करता हूँ जिसमें कोई बात हो। ठीक है, आप यहाँ आए हैं अपने सारे काम काज छोड़ के, अपना आराम छोड़ के, मैं कोशिश करूँगा कि अपने ज़ाकरी अंदाज में आपको कुछ दूँ। ठीक है, ठीक है, ज़रा गौर कीजिएगा। शेर अगला शेर है 10 मुहर्रम, शान है सरकार इमाम हसन, सरकार अब्बास बाबुल हवाइज करीम करबला की खिदमत हाजिर हुए। आ क्या कहना कि मौला मौला जंग की इजाज़त, करीम करबला ने फरमाया नहीं नहीं अब्बास खामोश। सरकार अब्बास ने फरमाया अच्छा मौला अगर आपकी इजाज़त हो तो एक सवाल कर सकता हूँ। हाँ अब्बास, फरमाने लगे मौला मौला अगर मैं खामोश भी हो जाऊँ, अगर मैं चुप भी हो जाऊँ, तब भी हम जंग तो जीत जाएंगे ना। ये ज़ाकरी ये कहीं चली गई है, हालांकि ये मेंबर इसी ज़ाकरी के लिए था। ठीक है, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि लफ्ज़ों से आपसे दुआ हासिल करूँ। किसका मुकाबला है भला पीर हसन से, हों जितने बड़े छोटे हैं शब्बीर हसन से, जब मुरसले आज़म ने ये फरमा ही दिया था, लिखवाई थी क्यों खुल्द की तहरीर हसन से। मौला मौला क्या हम जंग जीत जाएंगे? करीम करबला ने फरमाने लगे अब्बास 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 अगर काफिया चल रहा है पीर शब्बीर तहरीर, ये काफ़ी है, जो काफ़िए की हकीकत को पहुँच के नौकर को दाद दे उसके म्यारे समाज को पहले कहता हूँ वाह 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 वाह। अब शेर पढ़ता हूँ, गौर करें, जो तो सवाल किया मौला क्या हम जंग जीत जाएंगे? करीम करबला ने फरमाया अब्बास अगर सवाल किया है तो सुनो। किस तरह से जीतूंगा तेरी चुप से ये बाजी, किस तरह से जीतूंगा तेरी चुप से ये बाजी, सीखी है यही जब जंग की तदबीर हसद से। ओए मैं सदके भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आपके प्यार का शुक्रिया। ओए होए किस तरह से जीतूंगा तेरी चुप से ये बाजी, सीखी है यही जंग की तदबीर। आप हमेशा जिए, मालिक ऐसी हज़ारों लाखों खुशियाँ आपको नसीब फरमाए। जितना मुझे तवक्कु थी ना कि इतनी दाद और दुआ होनी चाहिए, उससे हज़ार गुना अच्छी आपने दाद भी दी दुआ भी की। और करीम करबला कदम कदम पे आप मातमियों की हिफाजत फरमाए, मालिक यही जिक्र आपकी नस्लों को नसीब फरमाए। ये कसीदा पढ़ा सिर्फ और सिर्फ आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए। एक कसीदा मैं सरकार हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की शान का आपको तोहफा पेश करना चाह रहा हूँ, तोहफा। ठीक है, थोड़ी सी आप मेरी मदद करेंगे तो आने वाली नस्लों तक कुछ पैगाम पहुँच जाएगा। ठीक है, मदद करेंगे थोड़ी, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, आप मुश्किल कुछ आके मानने वाले हैं। मैं चूँकि तोहफा है ऐसे पेश करना चाह रहा हूँ कि जैसे तोहफा पेश करने का हक है। ठीक है, वसूल फिर आपने करना है। ठीक है, लफ्ज़ों को देखिएगा जी कि आपका भाई आपका नौकर आपको कैसा कसीदा सुना रहा है। ठीक है,
ले मैं आपको कसीदा सुनाता हूँ। अगर आप थक नहीं गए तो एक मज़ेदार सी सलवात पढ़ देंगे। शुक्रिया शुक्रिया। मेरे मालिक मेरी मदद करें, मैं कसीदा पढ़ने के मूड में हूँ। फिर देखते हैं इंशाल्लाह, मेरे मौला मेरी मदद करेंगे। उन्हीं की आमद का मुंतजर हूँ, है घर का घर इन्नमा हसन का, है घर का घर इन्नमा हसन का। अगला मिसरा पेश करा, मैं करें लुत्फ है जी। आप सदा जी हैं, लुत्फार है, खुदा की कसम लुत्फार है। मेरे हिसाब में थोड़ी मुश्किल बात थी, लेकिन आपने बहुत अच्छी वसूल बनाई। सदके सिर्फ दाद लेना मकसद नहीं है जी, आप तक कुछ बात पहुंचाना मकसद है। जिस वक्त चाहेंगे ना, जिस वक्त चाहेंगे आपको बता के आपसे दाद ले लेंगे। आपको पहले बताएंगे फिर दाद ले लेंगे। दाद लेना मकसद नहीं है, कोई बात पहुंचानी है उन्हें। ये मेंबर एक जिम्मेदारी का नाम है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूँ। उन्हीं की आमद का मुंतजर हूँ, है घर का घर इन नबा हसन का। वो आ के मुझको जो दें इजाज़त तो मैं करूँ तस्करा हसन का। लोग एतराज़ करते हैं कि शियां दे जाकिर अली बादशाह दे बड़े कसीदे पढ़ते हैं, हुसैन बादशाह दे कसीदे पढ़ते हैं, हसन बादशाह दे भी पढ़ते हैं, ते कदे कदे नात भी पढ़ लेंदे, लेकिन जिक्र तौहीद नहीं करते। ठीक है, अगर आप मेरा थोड़ा सा साथ दें तो मैं इमाम हसन के कसीदे की तमहीद के तौर पर आपको जिक्र तौहीद सुनाऊं। ठीक है, उस खालिक का जिक्र करूं कि जिसने हमें ये 14 रहबर अता किए। वार कर रहे हैं, वार कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। खुदा की पहचान बन के जिस दिल मुझे तारुफ हुआ हसन का, भाई माशाल्लाह, भाई माशाल्लाह। सदके ओए होए, खुदा की पहचान बन के जिस दिन मुझे तारुफ हुआ हसन का,
मुझे भी उस दिन से आ रहा है समझ में कुछ कुछ। खुदा हसन कुछ तवज्जो मेरी तरफ कीजिएगा जी। कुछ शेर ऐसे होते हैं आप जितनी दाद दें ना कयामत तक दाद दें उन शेरों का हक अदा नहीं होता। जो आप देते हैं ना वो आपकी मोहब्बत होती है। मैं एक ऐसा शेर आपको सुना रहा हूँ, मैं पहले कह रहा हूँ कि इस शेर की कीमत दाद नहीं है, जो आप देंगे वो आपकी मोहब्बत है, शेर की कीमत नहीं है। ले मैं शेर पढ़, मैंने दावा किया ना जी, मैं दावे की दलील के तौर पे शेर पढ़ रहा हूँ। 15 रमज़ान सरकार इमाम हसन दा जहूर नजूल वरूद आमद पाक सैयदा दे पाक आंगन दे विच जदों सरकार इमाम हसन दा जहूर होया इन्नमा हसन का तस्करा हसन का तारुफ हुआ हसन का समझ में कुछ कुछ खुदा हसन का वार करने। मैं फिर अर्ज़ कर रहा आप जो देंगे वो आपकी मोहब्बत है, शेर की कीमत नहीं है। गौर कीजिएगा मेरी बात को ज़ाया ना कीजिएगा, मैं बड़े मान से आपको ये बात सुना रहा हूँ। अर्ज़ कर रहा फलक से सदके जाओ होए होए होए। यार मैं क्या कह गया, मैं कुछ पढ़ गया जनाब। अल्लाह अकबर, फिर पढ़ूँ? मेरा अपना दिल कर रहा है कि मैं फिर पढ़ूँ, मैं फिर पढ़ना चाह रहा हूँ यार। एक थोड़ी सी मदद करें, दो कदम यार आप थोड़ा सा आगे, एक माहौल बने यार। यकीन करें मैं बड़े मूड में हूँ कसीदा पढ़ने के। मैं सदके सदके वार करने शेर पर पढ़ने मैच करें फलक से फलक से आगोश सैयदा में नुजूल जब कर चुका हसन का अली के होंठों से काम लेकर। खुदा ने बोसा लिया है। जैसे जैसे कसीदा आगे चलता जाएगा शेर एक बड़ा अगला उससे बड़ा अगला उससे बड़ा अगला उससे बड़ा। अल्लाह दे सोने हबीब नूं मक्का दे काफिर लोग अबतर होवण दा ताना दे दें। ऐसी बात है आदियां ए अल्लाह दा रसूल बे औलाद है बे नामो निशान है अबतर है। सरकार इमाम हसन दा जू ही जहूर होया एको शख्स जिस सब तो पहले हजूर नूं अबतर होवण दा ताना दिता ही। वो हजूर दे कोल आया उस वेख्या कायनात दे सोने रसूल दे चेहरे ते एक बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट। वो वेख्या कहन लगा या रसूल अल्लाह
मैं वेख रहा तुहाडे चेहरे ते एक बड़ी कमाल मुस्कुराहट है, मुस्कुराहट है, मुस्कुराहट है। हजूर मुस्कुराए इस दे पास वेख कहदे तू तो मैं अबतर होवण दा ताना सब तो पहले दिता है, तू गल कर ली हुण मेरी सुन। भाई माशाल्लाह, भाई माशाल्लाह, ऐसे सुनना चाहिए हमेशा। आप जिए गौर करने, गौर करने, हजूर मुस्कुराए इस दे पास वे क्या दे अभी चरागो सिला तो जनाबे माली तलक चलेगा, अभी चरागो सिला तो जनाबे माली तलक चलेगा, अभी तो मैं सदके जा सदके ऐ अभी अभी चरागों का सिलसिला तो जनाब महदी तलक चलेगा, अभी तो जहरा के घर मुनव्वर हुआ है पहला दिया। ऐ एक प्यारे भाई मुझे ही सुनना, अभी तक आपने मुझे दाद नहीं दी, साइडों वालों को दी है आपने दाद, अब आपने मुझे देनी है। एक रेशम से नाजुक शेर आपको सुनाता हूँ, ठीक है? हाँ जी, तो सुनना और समझना तो आपने है नहीं। एक लफ्ज़ है वास्ता, शुक्रिया शुक्रिया करीमे करबला कबूल फरमाए। एक लफ्ज है वास्ता, गौर है वास्ता यानी कसम। एक लफ्ज है दुआ, लफ्ज वास्ता का भी आपको पता है, दुआ का भी पता है, ठीक है? जरा बात देखिएगा कि मैं बात क्या करूं, गौर कर रहे हैं, मैं कह रहे हैं मैं सदके, थोड़ा स्लो करो इसको, जमा के पढ़ो। मैं कैसे कह रहे हैं अली के पहले ही वास्ते पर खुदा ने सुन ली जो बात, कल अगली सुननी और करना। मैं कह रहे हैं संदारी है। अली के पहले ही वास्ते पर खुदा ने सुन ली जो बात मेरी, तो मैंने अगली दुआ की खातिर बचा लिया वास्ता। ओ नहीं ओ उस सरकारी इमाम हसन नू एक दिन अपने दरबार च बुलवाया शाम, बुलवाया बेटा मेरी बात सुन, मैं आपके लिए ये जो मैं रुक रुक के पढ़ता हूँ ना, ये मैं आप बच्चों के लिए पढ़ रहा हूँ, ठीक है? वरना मैं तेज़ी से गुजर जाता हूँ, चूँकि ये जिक्र कुरान है, कुरान को ठहर ठहर के पढ़ने का हुक्म है, ठीक है? ठीक है,
मुझे पता है कि दाद कैसे लेनी है, जश्न कैसे पढ़ना है, लेकिन मैं बच्चों के लिए थोड़ा ठहर ठहर के पढ़ूं। ये देख क्या करने लगा हसन, साड़ी आपस दे विच दुश्मनी क्यों है? हालांकि तुसी भी रसूले खुदा दे रिश्तेदार ते थोड़ा थोड़ा हसन ठीक है आप भी अमीर हैं लेकिन थोड़ा सा तो नहीं यार, आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे मैं क्या कह। ठीक है हसन आप भी अमीर मशहूर हैं लेकिन कुछ तो इमाम दे चेहरे से जलाल आ गया, इमाम इस दे पास वे कह रहे हैं ऐसे बोले ना जी, ऐसे ऐसे सुनते हैं भाई क्या कह रहे हैं, ऐसे सदके इमाम इस दफा से वे कह रहे हैं लकब बदलने से शाम वालों कभी मुकद्दर नहीं बदलता, लकब बदलने से शाम वालों कभी मुकद्दर नहीं बदलता, फकीर चाहे अमीर लिख ले, फकीर चाहे अमीर लिख ले, हलील चाहे अमीर लिख ले, ना होगा हम मर्तबा हसन क्या कहने क्या कहने क्या कह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। किबला किबला मैं आपको इमाम हसन सुना रहा हूं, ले एक वाक्या है बहुत तवील, चूंकि बच्चों ने भी सुना हुआ है, आपका भी वक्त बचाऊं अपना भी बचाऊं मुक्त। चलो मैं यहां से शुरू करता हूं, यहां से इमाम हसन नाने मोहम्मद दा मेराज दा वाक्या बयान करें। एक बंदा खड़ा हो गया वे क्या दन हसन हसन ये किवें हो सकते 18,000 साल की रात 90,000 कलाम, लेकिन हसन तुसी फरमा रहे हो कि जो तुहाडा नाना मुहम्मद वापस आए जिस बिस्तर च उठ के गए हैं वह बिस्तर उवें गर्म आई, जिस पानी नाल वजू करके गए हैं जो वापस आए वो पानी चलता पियाई, जिस दरवाजे के विचों गुजर के गए जो वापस आए उसका कुंडा हिलदा पियाई। इमाम ने फरमाया तू औरत हो के नहीं, आप देर से पहुंचे हैं, आप मेरी बात के आगे के चले। इमाम ने अगे अगे गल कोई नहीं की थी, इमाम ने फकत फरमाया तू औरत होगे, इतनी बात की तू औरत। शेर पढ़ेंगे बेटा, थोड़ा ठहरा के थोड़ा सा माइक दूर करके ताकि लफ्ज़ समझ आए, लफ्ज़ समझ आए, लफ्ज़ समझ आने चाहिए। इमाम ने फरमाया जो मेरे इशारे की तरफ देखेगा ना इशारे की उसे बड़ा लुत्फ आएगा, मतलब इशारे पे गौर देखिएगा, मुझे देखिएगा जी भैया मुझे देखिएगा। इमाम ने फरमाया तू औरत हो के होया क्या, इधर लबों से ये बात निकली उधर मुनाफिक मुनाफिका थी, भाई क्या कहें ऐसे सुनना चाहिए सकी हुसैन आपको। सकी हुसैन आपको इस दाद का दुआ का अजर अजीम अता फरमाए। लें चूंकि ये आखिरी शेर है, जरा नतीजा देखिएगा नतीजा, आखिर सारा कसीदा एक पासे इस दी आखिरी लाइन एक पासे, गौर कर रहे हैं। इमाम ने फरमाया
तू औरत होके होया क्या? इधर लबों से ये बात निकली, उधर मुनाफिक मुनाफिका थी। इधर लबों से ये बात निकली, उधर मुनाफिक मुनाफिका थी। तुम्हारा मर्दों में काम क्या है? तुम्हारा मर्दों में काम क्या है? ये लफ्ज तुम मैं सदके जा, क्या कहने आपके सुनने के, क्या कहने आपके म्यारे समाज के। ऐसे ही सुनना चाहिए, ऐसे ही मालकों की खुशी मनाने का हक है, जैसे आपने हक अदा किया। मैं देख रहा हूँ कि जिस हलाली मवाली ने, मातमी ने, हजादार ने दाद नहीं भी दी ना, कम से कम उसका चेहरा खिला ज़रूर है। ठीक है, यही जश्न है जी। आप जो मुस्कुरा पड़ते हैं ये भी दाद ही है। सरकार सादी के आली मोहम्मद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सरकार फरमाते हैं कि तुम्हारे आबाओ अजदाद की बख्शिश और मगफिरत के लिए इतना ही काफ़ी है कि हमारा नाम आए तो तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुरा हटा जाए। ठीक है, मैं देख रहा हूँ तकरीबन सारे चेहरे खिल गए। मैं अपना जश्न मुकम्मल कर रहे हैं, लेकिन मैं किसी और जाकिर की गल नहीं करता। मेरी रोटी हजम नहीं होती जदों तक एक ना एक कसीदा मैं अली बादशाह की शान दा ना पढ़ा। ठीक है, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, जी जी बिस्मिल्लाह करा, खुला ही पढ़ना जी। लेकिन तुसा भी मेरे को जश्न पढ़ाना है, दिहाड़ी नहीं करानी। ठीक है जी, ठीक है, गौर कीजिएगा। जी जी बिस्मिल्लाह, हाँ जी जरूर। कौन सा वो? अच्छा चले, वो वाला पढ़े या आप वाला पढ़े? एक फरमाइश वो भी पाक बीबी के ही, दोनों में से एक जो मुझे पसंद है वो पढ़ दे तो चले। फरमा रहे कि एक कसीदा मादरे हसनैन पाक सैयदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चलें चलें। ये कसीदा शायद मालकों को ये मंजूर है। पाक सैयदा का कसीदा आपको सुना दें, फिर अली बादशाह का भी सुनाएंगे। ठीक है, तो चूँकि प्यारे भाई हैं, बड़े खलूस से उन्होंने इस जश्न का एहतमाम किया है, तो पुरा किबला नाजिमे मेंबर साहब पुराने जाकिर हैं ना, पुराने वो आते हैं भाई, सियाणा जाकिर वो होंगे जेड़ा बानी दी मने। मैं बानी की मानूंगा तब वो मेरी मानेगा ना। ठीक है, ठीक है, ले कह रहे हैं कि पाक सैयदा का एक कसीदा सुनाएं। जो मैं बात कर रहा हूँ ये कलंदर बादशाह फरमा रहे हैं, कलंदर बादशाह। किसी भैया, किसी बंदे मोमिन ने सवाल किया सरकारी कलंदर बादशाह से, कलंदर बादशाह ने जो जवाब दिया वो कसीदा है। जैसे आप सलवात पढ़ें वैसे ही मैं कसीदा पढ़ूँ। जी वो बंदे मोमिन सवाल कर रहे हैं, कलंदर बादशाह जवाब दे रहे हैं। सवाल नहीं बता रहा, फकत जवाब बता रहा हूँ। आप तैयार हैं जवाब सुनने के लिए? तैयार हैं, ले जा। कलंदर बादशाह फरमा रहे सरकारे, कलंदर बादशाह फरमा रहे जुदा कहेंगे। ठीक है, और करने कलंदर बादशाह उस बंदे मोमिन दे सवाल दे जवाब दे क्या फरमा रहे हैं? फरमा रहे हैं जुदा कहेंगे, जुदा
बादशाह फरमा रहे सवाल हमसे अगर किया है तो बात सबसे जुदा कहेंगे जुदा कहेंगे जुदा कहेंगे जुदा कहेंगे जुदा कहेंगे। कलंदर बादशाह अपनी गल मुकम्मल करें तो फरमा रहे हैं जुदा कहेंगे जुदा कहेंगे जुदा कहेंगे जुदा कहेंगे जुदा कहेंगे। सवाल हमसे अगर किया के भाई क्या कह रहे जियो माशाल्लाह सबके। सवाल सवाल हमसे अगर किया है तो बात सबसे जुदा कहेंगे कभी जो हम भी खुदा हुए घर तो मिदाते सैयदा कहेंगे। शेर कमाल पढ़ना चाह रहे हैं जरा गौर कर रहे हैं। हम शियाने हैदर करार कतअन कतअन अली को अल्लाह नहीं मानते। हम अली को अल्लाह का वली मानते हैं। हम अली को लिसानुल्लाह मानते हैं। हम अली को यदुल्लाह मानते हैं। हम अली को अल्लाह नहीं मानते। और गौर करने मैं तखील चुके ये जितने कसीदे मैं आपको सुना रहा हूँ ये आपके नौकर के लिखे हुए हैं। एक तखयल मालकों ने अता की है वो ज़रा आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। गौर करें जुदा कहेंगे मिदहत सैयदा कहेंगे दो लाइन का शेर है मर्ज करें मैं सद के मैं क्या करें भाई मेरी गल सुनने मर्ज करें खुदा खुदा अली को तो कह दिया है दिमाग इसमें उलझ गया है। तो इसी सवाल खड़ा कर दो या सिर्फ भाई दसो तो सही दिमाग किस में उलझ गया है तो मैच करें खुदा अली को तो कह दिया है दिमाग इसमें उलझ गया है। मैं सोचता हूँ नुसैरी अपने मैं सोचता हूँ नुसैरी अपने खुदा की दो जा को क्या मैं सदके मैं सोचता हूँ नुसैरी अपने खुदा की जौजा को क्या कहेंगे। शेर कमाल खुदा दी कसम है कभी कभी ऐसे शेर अता होते हैं लफ्ज़ है। अच्छा चलें मैं आपसे पूछता हूँ जी देखता हूँ कि सारा दिन रोज़ा रख के इस वक्त आप इस महफिल में जश्न में तशरीफ़ फरमाएं कितनी तवज्जो में है। जो रिज्क देता है रिज्क उसे क्या कहते हैं बुलंद आवाज़ में बोलें जी क्या कहते हैं जी थोड़ा सा मजीद बुलंद बोले क्या आपको कहते हैं जी। तकरीबन सारे मजमे ने कहा कि रिज्क देने वाले को राजिक कहते हैं राजिक। आपके वसीले से मैं पाक मोहम्मद की तैयबा ताहरा बेटी से एक सवाल करूँ मैं इस कार्य मेरी पाक मोहतुमा गौर करने मैं एक सवाल पेश कर रहा जिसनों सवाल समझ आएगी वो हिदायत देगा गौर करने मैं इस कार्य मेरी पाक मोहतुमा जो फरिश्ते रोटी
क्या कहने, मैं आपको दा देता हूँ, मैं आपको दा दे रहा भाई। सुभान अल्लाह, फैसल के भाई क्या कहने, चले चले मैं एक दफ़ा फिर शेर पढ़ता हूँ। मैं इसका रहा मेरी पाक मखदूमा जो भाई सदके ऐसे ही सुनना चाहिए, ऐसे बिस्मिल्लाह करा। हुसैन बादशाह न्याज कबूल करना चाहिए, करीम करबला न्याज का अजर अजीम था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सदके जाए जी, लुत्फाया जी, लुत्फाया आपको आया या नहीं ये तो आप जानते हैं, मुझे बड़ा लुत्फाया जी। ठीक है, लें एक कसीदा आपको सरकार अली बादशाह की अजमत का सुनाते हैं। कसीदे की रदीफ है, रेपिटिशन है, बार बार आएगा। जल जाते हैं, जल जाते हैं, जल जाते हैं। अब आप बोलेंगे जी, जल जाते हैं। आपका शुक्रिया। कौन कौन, कब कब, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे, क्यों क्यों, जल जाते हैं ये मैं आपको सुनाऊंगा। जल जाते हैं तंजिया लफ्ज़ है, तंजिया फिक्रा है। जल जाते हैं, आपका नौकर पड़ेगा जल जाते हैं, पढ़ेगा अदब में। ठीक है, अब अदब में इसको कैसे पढ़ा जाएगा ये सुनेगा, गौर करना। मैं इस करें जो भी मन गुर्द के पैगाम से जल जाते हैं भाई क्या कहने, और करने मैं कर्ज करें जो भी मन कुंत के पैगाम से जल जाते हैं तो प्यार रास्ते मिश्रा फिर दोहरा रहे मैं कर रहे हैं हाथ जो भी मन कुंत के पैगाम से जल जाते हैं, जो भी मन कुंत के पैगाम से जल जाते हैं, जो भी मन कुंत के करें जो भी मन कुंत के पैगाम से जल जाते हैं। मैं एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं आराम से, आराम ये लफ्ज आएगा आराम से। जैसे अभी तक कुछ मोमिनीन बिल्कुल दाद नहीं दे रहे और बैठे हैं, ठीक है, आराम से, आराम से। मेरा प्यारा भाई है, मुझे कॉल की, यासर भाई कब तक आ जाएंगे? मैंने कहा यार आप टेंशन ना लो, मैं 6:30-7 बजे तक आ जाऊंगा, मैं अफ्तारी आपके पास करूंगा। फरमाने लगे कि 7 बजे तक आ जाएंगे? मैंने कहा यार 7 बजे तक तो मैं आराम से आ जाऊंगा। ठीक है, और देखिए आराम से कोई मुश्किल लफ्ज़ है नहीं ना, आसान लफ्ज़ है। लेकिन मैंने इतनी देर क्यों लगाई, इसका मकसद है। अब मेरी बात जाहिर जी, लफ्ज़ आराम से तो जो रहे मर्ज करें हाथ जो भी मन कुंत के पैगाम से जल जाते हैं, जो भी मन कुंत के पैगाम से जल जाते हैं, जो भी मन कुंत के पैगाम से जल जाते हैं, भूख की आग में, भूख की आग में आराम से जल जाते हैं।
सदके जो भी मनकुंत के पैगाम से जल जाते हैं वो उसकी याद में आराम से। सदके कुछ बंदे मजलिस में जश्न में ऐसे भी आते हैं जो ख़ुद तो दाद नहीं देते लेकिन ज़ेहन में ये घर से सोच के आते हैं कि जिस ज़ाकिर को सारा मजमा दाद देना उसे ज़ाकिर मानेंगे। वो जो बंदा ये सोच के है ना कि जिस ज़ाकिर को सारा मजमा दाद दे, ठीक है, वो ज़रा देखे कि कोई अज़ादार कोई रह तो नहीं गया। वार करने पैगाम से जल जाते हैं, आराम से जल जाते हैं। मैं एक हस्ती नाल मुखातिब होके एक गल करने लगा, अगर उस हस्ती का नाम पहले बताऊँ तो लुत्फ नहीं आएगा, उस हस्ती पे आपने खुद पहुँचना है। गौर करने मैं करें तू है हम नाम खुदा फिर भी न जाने क्यों कर, तू है हम नाम खुदा फिर भी न जाने क्यों कर, तू है हम नाम खुदा फिर भी न जाने क्यों कर, तू है हम नाम खुदा फिर भी न जाने क्यों कर, याली लोग तेरे, याली लोग तेरे नाम से जल जा। सदके भाई क्या कहने, सुभान अल्लाह, ऐसे सुनना चाहिए। बस आखिरी शेर है जनाब दी सहमत तमाम, लेकिन अगर आपने ये शेर उस मयार पे सुना ना तो फिर एक शेर अगले कसीदे का मैं आपको और भी सुनाऊंगा, ये फिर आप पे है। ओए तू है, तू है हम नामे खुदा फिर भी ना जाने क्यों कर, या अली लोग तेरे। शेर देखिएगा, सारा जश्न एक पासे, एक कल्ला शेर एक पासे। अब मैं हकदार हूं एक दफा आपके मैं अकीदे का नहीं तवज्जो का इम्तिहान लूंगा, कितनी तवज्जो नौकर की बात की तरफ है। अब मेरा हक बनता है, लफ्ज़ है मुसलमान, क्या लफ्ज़ है जी? यार ज़रा वो पीछे वाले बोले, क्या लफ्ज़ है जी? मुसलमान का मतलब है मानने वाला, मुसलमान का मतलब है तस्लीम करने वाला, ठीक है। लफ्ज़ है मुसलमान, इस तरह से जो मर्ज करें आज जब मैं कहता हूँ ऐसे सुना जी, आपने बहुत अच्छा सुना जी, आपने बहुत अच्छा सुना। मैं चल के मैं कर्ज करें जब मैं कहता हूँ मुसलमान हूँ किसका, जब मैं कहता हूँ कि मैं अबू तालिब के मानने वाला हूँ, मैं अबू तालिब के तस्लीम करने वाला हूँ, तो होता क्या है? अर्ज करें हाथ जब मैं कहता हूँ सारे रल के जी, मैं सदके जा, बहुत शुक्रिया। देखो जी, देखो मैं पहले कह चुका हूँ कि बात वो होती है ना जिसमें कोई बात हो, ठीक है। आप ये वीडियो बन रही है, एक दफ़ा फिर ना यही मेरा जश्न दोबारा सुनिएगा, ठीक है, और देखिएगा कि आपके नौकर ने कोई शेर मयार से हल्का नहीं पड़ा, ठीक है। एक एक मजलिस में मैं
फिर कह रहा हूँ कि मेरी कोई हैसियत नहीं है, एक मजलिस में इतना मवाद आपके नौकर के अलावा कोई जाकिर आपको नहीं देगा, ठीक है, मालकों की करीमी है, मेरी कोई हैसियत नहीं है। ले एक फिनिशिंग टच पेश करते हैं, ठीक है, आप ये देखें कि आपके नौकर को ये काम भी आता है, ठीक है, ठीक है भाई, जश्न बढ़ चुके हैं ना, तो इसको फिनिश कैसे किया जाएगा ये ज़रा आपने देखना है। जितनी ऊंची आप सलवात पढ़ें उतना ही ऊंचा कसीदा पढ़ दीजिए, दौर दे जो वक्त है ना जी, इस दौर दे किसी मकान के उत्ते किसी घर के उत्ते लिखे हो या अली मदद, किसी मुला की नज़र पै जाए मुला की वो वेख सी घर के उत्ते लिखे हुए या अली मदद, घर किसी शहीद है वो अक्सी मकान के उत्ते लिखे हुए या अली मदद, घर किसी शीए दे मकान किसी शीए दे किसी बंदे दे नाम दे नाल अली बादशाह दा, मिसाल के तौर पर मुल्ला पूछे भाई क्या नाम है, बता के जी मैं जी हाशिम अली, बता के मैं कासिम अली जी, मुल्ला सी नाम दे नाल लफ्ज़ अली है बंदा शी है, चलो जेड़ा अजे तक नहीं बोलिया किसी कार दे उत्ते किसी बस दे उत्ते चलो इो कुछ लिखा हो या अली तेरे चाहने वालों की खैर, मुला की नज़र पै जाए मुलाक्सी कार दे उत्ते लफ्ज़ अली है बंदा शी है कार शी है दिए बस शी है दिए ये शी है ए, मैं कहना मुला अगर अली बादशाह की नस्बत की वजह नाल अली बादशाह नाल रिश्ते ताल्लुक प्यार मुहब्बत इश्क जनून मवद्दत की वजह नाल तू असां शिया दें तो एक नस्बत तू बयान की थी, एक नस्बत मेरे को सुन